अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के सिलसिले में आज हम हाजिर हैं मिनी टैब को इंस्टॉल करने का तरीका लेकर। मिनी टैब ट्रायल वर्जन 30 डेज के लिए अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो लिंक है ये नीचे गिवन है, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने इस लिंक को क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्राउजर है वो आपको मिनी टैब की वेबसाइट पे ले जाएगा। मिनी टैब एक ऐसा फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से बहुत से टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकता है स्टैटिस्टिक्स के। तो इसका ट्रायल वर्जन 30 डेज के लिए अवेलेबल है, तो देखते हैं कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो ये पेज खुल गया, पेज के बिल्कुल एंड के ऊपर आपके पास जो है वो होगा स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। आप स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करें तो ये वेबसाइट जो है ना वो एक और साइट पे चली जाएगी, पेज पे, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स जो है ना वो देनी पड़ेंगी। जो डिटेल्स हैं उसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम देना पड़ेगा। ये जो स्टेरिक हैं ये आपके कंपल्सरी हैं। उसके बाद आपको अपना जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो देना पड़ेगा, अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, बिजनेस ड्राइवर में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप बिजनेस एनालिटिक्स में हैं या कौन सा जो है ना वो करना चाहते हैं। उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, और आपका डिसीजन मेकिंग में रोल क्या है, ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, और आप कौन से जो है ना सॉफ्टवेयर वगैरह जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन देंगे, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे जो है ना वो चाहिए ये आप चेक करेंगे। और उसके अलावा जो है ना फिर आप एंड पे आके जो है वो सबमिट का बटन जो है ना वो दबा देंगे। क्योंकि मैंने कोई चीज़ क्लिक नहीं की, लिहाजा आपको कह रहा है कि जी ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे प्रोवाइड करें। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप कर ली है, तो एक ईमेल जो है ना कुछ तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे तक, मेरे वाले केस में ये 25 मिनट तक जो है ना मुझे ईमेल आ गई थी। तो आप अपनी ईमेल में जाएंगे तो ये ईमेल जो है वो आपको आई हुई होगी, योर मिनी टैब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर ट्रायल सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो ये पूरा डिटेल होगा। जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये जो ब्लू कलर का लिंक उन्होंने भेजा होगा, इस ब्लू कलर के लिंक को हम जो है ना वो क्लिक किया है हमने, तो ये जो है ना वो आपका आ गया। क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारा कर चुका था प्रोसेस, इसमें ईमेल मेरी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ चुका था, और उसके बाद आपने इसका पासवर्ड जो है ना वो क्रिएट करना है, उसको कंफर्म करना है और अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। जो ही आप अपने अकाउंट एक्टिवेट को बटन दबाएंगे तो ये आपका जो है वो अकाउंट 30 डेज के लिए चलना जो है ना वो शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त पासवर्ड जो है ना मैं वो डाल रहा हूँ, तो आप अपना पासवर्ड चूज करें। ये उसकी कंडीशन है, 10 करेक्टर्स होने चाहिए कम से कम, और एक अपर केस एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक जो है आपका स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, और जो ईमेल है उसकी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जो कि पासवर्ड के अंदर आ रही हैं वो सारी कर दूं। मैंने एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड जो है ना क्रिएट कर दिया है, एक्टिवेट योर अकाउंट, और ये सेव पासवर्ड जो है ना पूछ रहा है तो आप इसे बेशक सेव कर दें। यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट, उसके बाद आप इस पर कॉन्टिन्यू का बटन दबा, कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो फिर आपके पास जाना ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाएगा, आपने यहाँ पे ओके करना है और उसके बाद जो है वो आपने इसे एक्सेप्ट कर लेना है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर ये आपके क्लाउड में जो है ना वो आ गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप, आप इसे क्लिक करें। अब ये जो आपके पास है वो आप देख सकते हैं कि डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तकरीबन जो है वो आपके पास 273 मेगाबाइट्स का जो है ये सिस्टम है, जो कि काफ़ी सारा टाइम जो है ना लगेगा। मेरे इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसको 4 मिनट का टाइम जो है और चाहिए इसको डाउनलोड करने में।
ये बड़ी तेजी से इंस्टॉलेशन जो है ना वो कर रहा है। मीनवाइल हम वापस आते हैं, जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है, अपने मिनी टैब की तरफ। ठीक है, तो मिनी टैब की जो आपके पास साइट है वो मिनी टैब डॉट कॉम है। तो मिनी टैब डॉट कॉम जो है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट जो है ना वो खुल जाएगी। मिनी टैब, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत ही पावरफुल किस्म का सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स स्टेटिस्टिकल एनालिसिस तक परफॉर्म कर सकता है। और अगर आप इसकी फुल सब्सक्रिप्शन जो है ना वो ले लें तो फिर आप इनके एक्सपर्ट से भी जो है ना वो चैट कर सकते हैं और उनसे अपना जो एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो आप देख सकते हैं कि हम, अगर कोई परचेज करना चाहता है तो उसको कितने US डॉलर जो है वो परचेज करने पड़ेंगे। तो मिनी टैब में और भी बहुत सारे ये जो है सॉफ्टवेयर देते हैं। तो मिनी टैब स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास कॉस्ट कर रहा है 1610 US डॉलर। और अगर आप स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के साथ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मॉड्यूल जो है, जो कि आजकल डेटा साइंस में यूज हो रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स में यूज हो रहे हैं, उसको आप परचेज करना चाहते हैं, ये 2754 US डॉलर में आपको जो है ना पड़ेगा। इसके अलावा जो है ना, आप हेल्थ केयर मॉड्यूल लेना चाहते हैं और सप्लाई चेन मॉड्यूल लेना चाहते हैं या कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर का मॉड्यूल जो कि मैंने पहले बताया वो लेना चाहते हैं, तो फिर उसके मुख्तलिफ रेट्स हैं जो कि 2100 US डॉलर और से तक जो है ना मैक्सिमम आपके पास है। तो ये तो हमारे प्राइसिंग था। तो हमारे जैसे मुल्क में कोई इंटरनेशनल फॉर्म परचेज कर सकती है या गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ना वो इसको परचेज कर सकती हैं। तो एनीवेज 30 डेज का ट्रायल जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर जो है ना वो हम देख रहे हैं। तो हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो तकरीबन हाफ जो है, हाफ से ज़्यादा हो चुकी है और अब 2 मिनट्स का टाइम जो है ना बाकी रहेगा। तो वापस मिनी टैब की तरफ आते हैं, जब तक ये इंस्टॉलेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। मिनी टैब जो है बहुत सारे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकता है, ग्राफ बना सकता है जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हैं, आपके समरी स्टेटिस्टिक्स हैं, आपके डिज़ाइन है, डिज़ाइन के लिए बहुत अच्छा है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें डेटा जो है वो एंटर करने के लिए स्प्रेडशीट टाइप जो है ना वो इन्वायरमेंट है, अनलाइक आर जिसमें आपको डेटा खुद एंटर करना पड़ता है बाय हैंड। तो एसपीएसएस की तरह का ये है, लेकिन जो इसका लुक है और जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान है, बहुत तेज़ी से आप उसको समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे इस वीडियो के अगले वाले सेटअप में, जिसमें मिनी टैब से रिलेटेड आपको बहुत सारे टूल्स जो है ना वो वीडियोज़ में आपको दिखा रहा हूँगा, तो आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा इन सारी चीज़ों के लिए कि आप किस तरीके से बेसिक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से लेकर कॉम्प्लेक्स स्टेटिस्टिकल एनालिसिस तक इसमें जो है ना वो कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो मिनी टैब का वर्जन 21.1.1.0 है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो ऑलमोस्ट बाकी हाफ मिनट के टाइम में डाउनलोड जो है ना वो हो जाएगा। तो जूँ ही ये डाउनलोड होगा तो इसके साथ ही हम इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। तो आप इस पूरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो 30 डेज के लिए मिनी टैब आपके सॉफ्टवेयर में, आपके मिनी टैब सॉफ्टवेयर जो है आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में इंस्टॉल जो है ना वो हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो आप फिर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। लें जी, हमारा मिनी टैब जो है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो गया और अभी ये ओपन करने के लिए तैयार हो गया। तो मैंने इसको बटन दबाया। अब आपने इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस गौर से देखना है। सबसे पहले तो आपने विंडोज़ को परमिशन देनी है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंस्टॉलेशन करे। तो वेलकम टू मिनी टैब सेटअप है, सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो लैंग्वेज ऑब्वियसली हमारी इंग्लिश है तो हम इंग्लिश को क्लिक करेंगे। उसके बाद है जी वेलकम टू प्री रेक्विजिट सेटअप विजर्ड, इस पर हम नेक्स्ट का बटन दबाना दबाएंगे। ये चेक करेगा कि जो चीज़ें इसको प्री रेक में चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस है और दूसरी चीज़ें इंस्टॉल हैं कि नहीं। अगर तो वो इंस्टॉल होंगी तो फिर ये वाली चीज़ नहीं आएगी जो आपके पास स्क्रीन पे है। अगर इंस्टॉल नहीं होंगी तो फिर ये स्क्रीन आ जाएंगी, आप इसको आई एग्री करें और इंस्टॉल का बटन दबाएं। तो ये प्री रेक सबसे पहले इंस्टॉल कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस 2015 से 2019 की रीडिस्ट्रीब्यूटेबल
64 बिट कंप्यूटिंग के लिए, और उसके आगे उसका वर्जन है जो कि 14.25 A28508 है। तो आपने इसे क्लोज कर दिया, इंस्टॉलेशन हो गई, और अब इसको जो है ना वो आपको रीबूट चाहिए क्योंकि आपने उसने विजुअल सी प्लस प्लस इंस्टॉल किए। तो अगर आप यस करेंगे तो फिर ये रीबूट होगा। तो रीबूट होने के बाद जो है वो फिर हम इसको दोबारा यहीं से जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे।